अपन करेंगे फैराडे का नियम पढ़ रहे था। फैराडे का प्रथम नियम, देखो फैराडे का नियम पढ़ने के पहले, फैराडे का फर्स्ट नियम पढ़ने के चार्ट, हाँ, तो इस नियम में अपन विद्युत अपघटन से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। फैराडे का प्रथम नियम विद्युत अपघटन से संबंधित। तो विद्युत अपघटन एक्चुअली क्या होता है, देखिए यहाँ पर कोई लवण है, ये लवण बना हुआ है, इस बीकर में कोई लवण भरा हुआ है, ठीक है। इसमें अपन दो जो है धातु की इस प्रकार की प्लेट लेंगे, ये देखिए धातु की दो प्लेट लेंगे अपन, ये धातु की दो प्लेट है, धातु की दो प्लेट लेंगे और यहाँ पर एक तार जोड़ दिया, इस प्रकार का एक तार जोड़ दिया, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। हम जानते हैं कि जो बड़ी वाली लाइन है वो धन चिन्ह है और छोटी वाली लाइन माइनस सिरा है, और जो प्लस से जुड़ा रहता है ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, एनोड, और ये वाला हिस्सा जो माइनस से जुड़ा है ये क्या कहलाता है, कैथोड, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कोई अपन लवण भरेंगे, सपोज इसमें भर दिया अपन ने पोटेशियम क्लोराइड, क्या भर दिया है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक, पोटेशियम क्लोराइड भरा है, तो क्या होगा, जैसे अपन विद्युत प्रवाह करेंगे इसके अंदर, तो ये जो सोडियम पोटेशियम धन आयन है वो जाएगा कहाँ की ओर, कैथोड माने ऋण की तरफ, और ऋण आयन कहाँ जाएगा, धन की तरफ, समझे ना, विद्युत अपघटन हो गया। प्रथम नियम बताते हैं, इसमें पोटेशियम क्लोराइड भरा है, विद्युत द्वारा पोटेशियम क्लोराइड का क्या होगा, फाइनल होगा ये, तो यहां पर आप कैथोड, ऋणात्मक छल्ल क्या बोलते हैं, कैथोड माइनस, इस पर पोटेशियम जाएगा, क्या जाएगा, पोटेशियम, और इलेक्ट्रॉन आएंगे पीछे तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और इस क्रिया को अपचयन करेंगे, क्या कहेंगे, इस क्रिया को अपचयन, विद्युत अपघटन हुआ, एक पर ऑक्सीकरण हुआ कैथोड पर, ऑक्सीकरण हुआ एनोड पर, और अपचयन पर, अपचयन होगा सॉरी कैथोड पर, ठीक है। दूसरे अपन देखते हैं जो एनोड वाला हिस्सा है, एनोड वाला हिस्सा ही प्लस हिस्सा है, यहाँ पर जाएगा क्लोराइड, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये क्लोरीन गैस बन जाएगी, और इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण, तो एक अपचयन हुआ वहां पर ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। और प्रथम नियम पे चलते हैं, कैथोड पर जमा, ये धातु जमा हो रही है, इस कैथोड पे ऐसे धातु चिपक जाएगी, कैथोड पर जमा पदार्थ की मात्रा W है, W समानुपाती Q, अर्थात जमा पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है, ये आवेश इसके समानुपाती, जितना आवेश प्रवाहित किया, W बराबर जेड क्यू, ठीक है, जेड जो है ये समीकरण हो गया प्रथम समीकरण, अच्छा क्यू जो है वो आवेश है, तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय, ठीक है, तो अपन इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर धारा आई और समय टी, ये गुणा हो जाएगा क्यू बराबर, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, आई टी क्या है, आई जो धारा है विद्युत धारा जिसको एम्पियर बनाते हैं, टी समय, और जेड है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है।